नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। मेरा नाम है रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय नौसेना MR के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताऊंगा जिनसे आपके क्वेश्चन पूछने के 100% चांसेस हैं और जो है आपका आधा पेपर इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप नेवी MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। सामान्य अंक गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के लगभग मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो और दोस्तों हमें अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है MR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आपका 100% सवाल आएगा। तो इन्हें अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो है काम ये बहुत ज़्यादा आएंगे, साथ ही साथ इन्हें जो है नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सामान्य अंक गणित के, यानी जिसे हम जनरल मैथ भी कहते हैं। 10th लेवल का आपका जो है मैथ आएगा। तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ध्यान लगाकर इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है यहाँ पर समय व कार्य का, टाइम एंड वर्क। यानी एक आदमी एक कार्य को 5 दिन में करता है तो 3 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क से बनते हैं। ज़्यादा हाई लेवल पर मत जाइएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका जो है टाइम एंड वर्क से बनेगा। उसके बाद लाभ हानि, लाभ हानि बताएंगे दोस्तों। एक आदमी ने एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा और उसे जो है इतने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका जो है आपको जो है अंकित मूल्य निकालना है। इस प्रकार जो है लाभ हानि निकालनी है, आपको कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। उसके बाद प्रतिशत से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो ये टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, इनसे आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है मीन मीडियम, जो आपका स्टैटिक्स टॉपिक होता है 10th में, उसे आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अगला दोस्तों एरिया से, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, कोन का, सिलेंडर का, स्पीयर का, इन सभी के एरिया और जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे एरिया, पेरीमीटर हो गया, आपका सरफेस एरिया होगा, कोर सरफेस एरिया होगा, ये क्वेश्चन भी आपके 10th लेवल के इसमें बनेगा क्वेश्चन आपका इससे। अगला है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इससे भी आपका जो है क्वेश्चन 100% बनेगा। साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा और इनकी वैल्यूज़, 30 पर क्या वैल्यू होती है, 45 पर, 60 पर, 90 पर, 0 डिग्री पर इनकी वैल्यूज़ हो गई, इनके इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हो गए। और दोस्तों जो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका स्क्वेयर का फार्मूला हो गया, क्यूब का फार्मूला हो गया, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद समीकरण से, इक्वेशन से आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो है यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दे दी, उनसे एक्स वाई की जो है आपको निकालनी होगी, साथ ही उनके कितने रूट्स बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास से, यानी ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये आपको पता है बोर्ड मास से हम जो है सोल्व करते हैं। और जो है साइन एक्सचेंज कर दे दिया है, दे देता है क्वेश्चन कई बार, जैसे कि अगर जो है आपको एक इक्वेशन दे देगा उसमें जो है प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर घटा, इस प्रकार जो है साइन एक्सचेंज करके भी आपको उससे सॉल्यूशन मांगेगा। तो बोर्ड मास का टॉपिक भी आपको जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम की ये वीडियो रहने वाली है। उसके बाद सामान्य विज्ञान से जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो है हमारा साउंड ध्वनि से, लाइट यानी आपकी लाइट एंड ऑप्टिक्स से, उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से आपका क्वेश्चन आ सकता है, साउंड से और लाइट से इस प्रकार आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि साउंड की SI यूनिट क्या है, अगर जो है कोई जो है साउंड की इन जो है लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, विद्युत से जैसे इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है, और जो है हम सिक्योरिटी के लिए कौन सा जो है घरों में यूज़ करते हैं फ्यूज़ का, इस प्रकार जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, ये मैं आपको 12th लेवल का नहीं कह रहा हूँ, 10th लेवल का जो है क्वेश्चन आ सकता है इससे। 10th लेवल का क्वेश्चन आपका स्पीड वेलोसिटी से, जैसे कि स्पीड दे दी हो आपको जो है उसका टाइम निकालना है, स्पीड डिस्टेंस दे, टाइम निकालना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर प्लैनेट से, सन से, मून से, सेटेलाइट से, दोस्तों प्लैनेट से जैसे कि आपका जुपिटर का सबसे, सौरमंडल का सबसे जो है जुपिटर पर आपका जो है
सबसे बड़ा ग्रह है, सन जो है सन पर एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, मून अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है या फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, और आपका जो है नेचुरल सेटेलाइट कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों आपके प्लैनेट सन मून सेटेलाइट से आ सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी यानी आपकी मून पर ग्रेविटी कितनी होती है। अगर एक आदमी का पृथ्वी पर भार जो है 6 किलो है तो जो है 16 किलो है तो मून पर क्या होगा, जो है 15 किलो है तो मून पर क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है ग्रेविटेशन से ग्रेविटी से पूछा जा सकता है, यानी जी की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, यानी सॉलिड से आपकी जो है स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होती है, लिक्विड आपका जो है गैस से आ सकता है। जैसे कि आपका सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट फॉर्म जो है सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्ट बदलना क्या कहलाता है, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बदलना क्या कहलाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका जो है इससे सॉलिड लिक्विड और गैस से आ सकता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट वैल्यूज से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट वैल्यूज में आपको किन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्ट वैल्यूज आपकी एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होगी, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना देना चाहता हूं मिसलेनियस, बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक वीडियो लेने वाले हैं जिसमें हम आपको जनरल साइंस के 100 से ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तो जो जनरल ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं वो है इतिहास से, ज्योग्राफी से, और जो है आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकता है। इतिहास में आपका बेसिकली भारतीय इतिहास रहेगा, मुगल काल रहेगा, दिल्ली सल्तनत रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक काल हो गया, आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, आपका जो है अंग्रेजों का शासनकाल हो गया, ये सभी दोस्तों जो है मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतिहास को जो है अच्छे से कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों राजमार्ग, रेल मार्ग से क्वेश्चन आपका आ सकता है, बुक एंड ऑथर से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों ये जो है बुक्स एंड ऑथर से आपका जो है बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बीमारियों से आपका क्वेश्चन आ सकता है, उनकी जो है कारण यानी किस कारण जो है होती हैं, किस चीज़ से होती हैं, वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिस्कवरी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, शोध से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद राज्यों की राजधानी, इससे भी आपका जो है 101% क्वेश्चन आएगा, राज्यों की राजधानी, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनकी राजधानी, आपकी जो है केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, और पूरे जो भारत में 29 स्टेट्स हैं उन सभी की राजधानी जो है अच्छे से याद कर लीजिए। साथ ही जो आपके पड़ोसी देश हैं उनकी भी राजधानी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आएगा, फुल फॉर्म एब्रीवेशन यानी पूर्ण रूप, जैसे कि आपकी B2B की फुल फॉर्म क्या है, ये आपका डबल ए में आया था, बिजनेस टू बिजनेस है, इसकी इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। जैसे आपकी सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पर फुल फॉर्म से आ सकते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, खेल व खिलाड़ी, यानी आपका जो है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, उन्होंने जो है अब तक कितने प्राइज जीत चुके हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गोल्डन गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आपके जो है आ सकते हैं, साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों टॉपिक है नया नाम दूसरा नाम, जैसे कि आपका जो है इराक का पहले नाम होता था मेसोपोटामिया, आपका जो है उसका नीदरलैंड का जो है आपका नाम होता था ओलैंड, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के निप्पल जो है जापान का पहले नाम था, तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, नाम दूसरा नाम उसका जो है और जो लगाकर हम कहते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है इससे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे, तो दोस्तों करंट अफेयर से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर भी आप जो है पिछले 6 मंथ्स का कम से कम जो है कीजिए, अगर हो सके तो 1 साल का कर लीजिए, क्योंकि और एग्जाम्स में भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कम से कम 6 मंथ का जो है प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपको कहां से पढ़ना है, ये टॉपिक कहां से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इन टॉपिक पर जो जनरल साइंस के टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, जनरल मैथ के और करंट अफेयर के, इनके लिए दोस्तों हमने अनअकैडमी पर कोर्स शुरू कर रखा है, बिल्कुल फ्री में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चार कोर्स जो है हमने पब्लिश कर दिए हैं, इनकी लाइव क्लास, इनके जो लेसन्स हैं आपको स्टेप बाय डे बाय डे जो है लेसन मिलते हैं, और 30 दिन में हम आपका जो है पूरा सिलेबस करा देंगे। अनअकैडमी पर जो है हम आपका 30 दिन में पूरा सिलेबस जो है करा देंगे, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, जनरल मैथ का। तो दोस्तों जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस,
करंट अफेयर, ये तीन जो कोर्स हैं ये हमारे अनअकैडमी पर पब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और जो हम करवा रहे हैं उन्हें साथ के साथ नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको जो है काम में आ सके। उसके बाद जनरल मैथ का जो कोर्स है वो हमारा जो है आज से ही जो है लाइव हो जाएगा यूट्यूब पर, यानी आज जो है इस वीडियो के बाद ही जो है हम इस कोर्स की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिए। इस कोर्स में आपको जनरल मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक डिटेल में कराए जाएंगे, बिल्कुल लाइव क्लासेस आपको जो है मिला करेंगी जनरल मैथ की यूट्यूब पर। और दोस्तों जनरल साइंस आपका, जनरल अवेयरनेस आपका और करंट अफेयर, इनके जो है कोर्सेज हमें अनअकैडमी पर पब्लिश कर दिए हैं। पाँच जो है कम से कम जो है 6 लेसन हमने जो है जनरल साइंस के पब्लिश कर दिए हैं, और करंट अफेयर के आपके 7 लेसन और जनरल अवेयरनेस के 5 लेसन हमने अनअकैडमी पर पब्लिश कर दिए हैं। और रोज़ाना इनमें जो है एक एक लेसन आपका ऐड हो रहा है, यानी 3 लेक्चर हम रोज़ाना अनअकैडमी पर ले रहे हैं जनरल साइंस के, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अनअकैडमी पर हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम आपके लिए रोज़ाना जो है लेक्चर्स लाते रहते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो जनरल मैथ का है, सामान्य अंकगणित का है, वो कोर्स हमारा YouTube पर रहेगा। YouTube पर रोजाना उसको आपकी जो है वीडियोस मिला करेंगी, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो और घंटी का इस प्रकार का आइकन जो है आपका घंटी का दिखना चाहिए ताकि जो है हमारी हर नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो रोजाना आपको जो है जनरल मैथ के लेक्चर्स भी मिला करेंगे। रोज जो है आपको सुबह के 10 बजे यानी 10 AM को आपको जो है मैथ का जो है जनरल मैथ का लेसन मिला करेगा। तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिएगा, और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो दोस्तों एक बार हमारे लेसन देख लीजिएगा, उनके बेसिस पर ही हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्च करके बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टडी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको कोई भी जो है फालतू वालतू वीडियो नहीं मिलेंगी, बिल्कुल आपको दोस्तों बिल्कुल आपको जो है स्टडी की वीडियोज ही वहाँ पर मिला करेंगी। तो अनअकैडमी पर जरूर से फॉलो कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही हमें फॉलो कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिएगा, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो घंटी का आइकन दबा लीजिए, और आपका घंटी का आइकन कुछ इस प्रकार का जो है होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार जो है बनाकर दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का आपका जो है घंटी का आइकन होना चाहिए। तो ये दो निशान है ये आपके दिखने चाहिए घंटी में, तभी जो है आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके बताइए कि कैसी आपको वीडियो लगी, और एक काम जरूर कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई भी सवाल आपका मन में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई 101% करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपका कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।